झारखंड के रोपवे एक्सीडेंट का रेस्क्यू मिशन हुआ खत्म। 40 घंटे की जद्दोजहद के बाद इंडियन एयरफोर्स ने 48 में से 45 लोगों की जान बचा ली। बचाव के दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई। आपको बता दें कि रविवार को शाम 4 बजे झारखंड के देवगढ़ में भक्त रोपवे से ट्रॉली पर सवार होकर टिरकुट पर्वत पर जा रहे थे। उसी के बीच एक ट्रॉली पत्थर से टकरा गई। जैसे ही ट्रॉली पत्थर से टकराई, वैसे ही रोपवे की 18 ट्रॉली बीच रास्ते में रुक गई। पत्थर से टकराते ही ट्रॉली सवार एक शख्स की मौत हो गई। आपको बता दें कि 18 ट्रॉली में 48 लोग सवार थे और ट्रॉली जमीन से 60 फीट से लेकर 500 फीट की ऊंचाई पर थी। रविवार रात होने की वजह से रेस्क्यू मिशन अगले दिन शुरू करना पड़ा। ये रेस्क्यू मिशन में NDRF, एयरफोर्स, ITBP की मदद से चलाया गया। अगले दिन शुरू होते ही इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू किया गया। उसी के बीच 3 लोगों की रेस्क्यू मिशन में गिरकर मौत हो गई। आपको बता दें कि 48 में से 45 लोगों की जान बचा ली गई है। हादसे को लेकर झारखंड हाई कोर्ट ने झारखंड सरकार को 25 अप्रैल तक पूरी रिपोर्ट देने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आयान टीवी।